प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि सब जानते हैं, साल 2017 बॉलीवुड फिल्मों के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल ऐसी ऐसी फिल्में आई और फ्लॉप हो गई जिनसे लोगों को अच्छी खासी कमाई करने की उम्मीद थी। हालांकि इस साल के आखिर में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने राहत दी, जिस कारण अभी भी फिल्म उद्योग में खुशी का माहौल बना हुआ है। टाइगर जिंदा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा क्रॉस करेगी। पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन सलमान खान की इस फिल्म में दो देशों को एक साथ मिलाने का काम किया गया है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में ही सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने सभी कमाऊ फिल्मों को धूल चटा दी है। फुकरे रिटर्न 76 करोड़, तुम्हारी सुल्लू 36 करोड़, सीक्रेट सुपरस्टार 63 करोड़, जुड़वा 2 138 करोड़, शुभ मंगल सावधान 43 करोड़, बादशाहों 78 करोड़, बरेली की बर्फी 34 करोड़, टॉयलेट एक प्रेम कथा 134 करोड़, जब हैरी मेट सेजल 64 करोड़, जग्गा जासूस 54 करोड़, ट्यूबलाइट 119 करोड़, हिंदी मीडियम 69 करोड़, जॉली LLB 2 117 करोड़, रहीस 137 करोड़, काबिल 103 करोड़। आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म गोलमाल अगेन की लाइफटाइम कलेक्शन को भी 7 दिनों में क्रॉस कर गई है। इस फिल्म ने 205 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था। टाइगर जिंदा है फिल्म इसलिए सुपरहिट साबित हो रही है क्योंकि ये फिल्म रोमांस, लव और एक्शन से भरपूर है और साथ ही साथ ये फिल्म दो देशों को एक साथ मिलाने का काम कर रही है, क्योंकि टाइगर जिंदा है फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ अभी भी सिनेमा घरों की तरफ रुख कर रही है। ये फिल्म भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है, इसलिए फिल्म समीक्षकों का मानना है कि ये फिल्म 3000 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाली इंटरेस्टिंग मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।